दूसरी एक बात, एक दो टुच्चे जोक्स कर देता हूँ मैं अप टॉप, ताकि अपना एक समन्वय सा बना रहे. पता चला मैं बता रहा हूँ होली की बात, तुम दिवाली सुनना चाह रहे हो. इजाजत है साहब, गणित जन लोग बैठे हैं यहाँ पे. मेरा ऐसा मानना है साहब, तीन तरह का कॉन्फिडेंस होता है ना, तीन तरह का कॉन्फिडेंस होता है. पहले नंबर का कॉन्फिडेंस होता है जिसके अंदर इंसान जो है वो गिटार खरीद लेता है और बोलता है मैं सिंगर बनूंगा. ठीक है ना, कोई सिंगर है यहाँ पे भाई? हाँ, क्या नाम है दोस्त आपका? हाँ, साई. साई सिंगर मुझे इतने घटिया लगते हैं. एक तो ये लोग कूल बहुत है, मैं सच बोल रहा हूं, मैं बात फैक्ट होना हो भाड़ में गया, मैं सिर्फ जलन की स्पेस से बात करना चाहता हूं. साफ बात, मुझे भयंकर जलन है. एक तो इनका टैलेंट बड़ा पोर्टेबल है, और यार बंदियों को बड़ा पसंद आता है गाता हुआ लड़का. हाँ यार, ये गिटार विटार बजाए तो उनको बड़ा मन लग जाता है कि ओ माय गॉड साई सो कूल. कभी ना घर में आप, मान लो किसी के घर में हाउस पार्टी में आप गए, हाउस पार्टी में चार आदमी मिलते हैं, आप क्या चाहते हो कि आप साहब मन मुताबिक कहानियां सुनाओ थोड़ी सी? इंसान दो लोग मिलेंगे, बातें करें, ये होना चाहिए ना माहौल. बालकनी में मैं साहब अपना किस्सा अपन महफिल लगा के बैठे हैं साहब की, हमारी मौसी साहब एक दिन बस में जा रही थी, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो बस स्टॉप आया, ककड़ी वाला बेच रहा था ककड़ी, उन्होंने ककड़ी वाले से ककड़ी खरीदी, 20 रुपये का नोट दिया उसने, 10 रुपये की ककड़ी दी, 10 रुपये वापस नहीं दिए. बस चलने लगी, हमारी मौसी ने ककड़ी वाला ही पकड़ लिया. ककड़ी वाला 10 रुपये ना दे, मेरी मौसी ककड़ी वाले को ना छोड़े. आप देख रहे हो कितनी मुश्किल सिचुएशन है, मौसी आधी बस के बाहर है, बस चलने लग गई और ककड़ी वाला भी साथ में. अब इतने में कंडक्टर आ गया, कह रहा है एक्स्ट्रा किराया लगेगा उसका भी, आपने एक पैसेंजर और बिठा लिया. इस मार्मिक कहानी के बीच में अचानक से एक दीदी आएंगी, कह रही गाइस कम इनसाइड, साई इज सिंगिंग. आपको लग रहा है साई सिंगिंग कर रहा है, जरा जाके देख. ठीक है, देख लेते, कोई बात. हाँ, हमारी मौसी की जान खतरे में, फिर भी हम साई की सिंगिंग सुनने जा रहे हैं अंदर. साई अंदर गाने को तैयार नहीं, साई वहां पे नखरे पाद रहे हैं. अरे क्यों कर रहे मेरा गला खराब. मैं एक सिंगर से मिलना चाहता हूं जिसका गला ठीक चल रहा. ये लोग बीमार ही रहते पूरे टाइम. मेरा गला, माय थ्रोट इज नॉट वर्किंग. अरे गादेव चुपचाप, तू ही गाएगा 5 मिनट. मेरे को पता है, मैं बहुत एक्सपीरियंस है इस बात का, तू गाएगा अभी, तू 10 मिनट में तू ही गाएगा. मैंने देखा थोड़ी देर बाद पूछ रहा, गिटार होगा यहाँ पे? ये तुमको क्या लग रहा, शंकर एहसान लॉय का स्टूडियो है ये? हम लोग विशाल ददलानी है. ठीक है साहब, एक धूल में भरी हुई सी गिटार आई है. ठीक है, गिटार के ये गिटार चलेगी साई तुमको? साई अपना ट्यून कर रहे हैं, टंग डंग टुंग डुंग. ओ फिर ये तो ट्यून नहीं है. हाँ, क्योंकि यार हम इनका स्टूडियो भी तो नहीं है, घर में कुछ मिल गया उसके साथ काम चला ले यार. गिटार हाथ में लेते ही इसके अंदर जॉन मेयर की आत्मा आ जाती. ये बंदा कैलिफोर्निया पहुंच गया है, ये है ही नहीं है, जबकि है गाजियाबाद का. इसमें एक्सेंट आ गया भाई, एक्सेंट आ गया इसमें. ये जो सारी जिंदगी जिसने पार्क को पार्क कहा है, वो कह, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, दिस इट्स अ सूफी ट्रैक. मैं सूफी ट्रैक हो गया क्या? इट्स अ सूफी ट्रैक, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स, इट्स फ्रॉम अ बॉलीवुड मूवी. आई एम जस्ट गुंज सा है कोई इकतो. क्या गूंज सा है कोई एक तर, एक तर गूंज गया क्या? गुलाबी आके मैं का चीखना चिल्लाना नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं तो. हाँ, तो पहले नंबर कॉन्फिडेंस वो होता है जिसके अंदर इंसान जो है ना गिटार खेल लेता है सोच के मैं सिंगर बनूंगा, है ना. दूसरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे लगता है वो होता है जिसके अंदर इंसान जो है बाप की दुकान बेच के अपना स्टार्टअप चालू करता है.
उसमें बाप की दुकान भी बिक जाती है, फिर स्टार्टअप भी बंद हो जाता है, खानदान पूरा नौकरी करता है। तीसरे नंबर का कॉन्फिडेंस होता है साहब, जो कि मेरे को लगता है हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है, मैंने बोला था टुच्चे जोक्स करूंगा, ज्यादा ग्रोस आउट नहीं होने का, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंट लोग वो लोग होते हैं जिनके साथ आप मान लो किसी मॉल वॉल में आप बैठे हो, फूड कोर्ट वगैरह में बैठ के बात बात कर रहे हो, आमने सामने काम की बात चल रही है कि कुछ यू नो यू डिस्कसिंग अबाउट वर्क एंड स्टफ ऑन, और चलती मीटिंग में फुल पब्लिक प्लेस पे वो लोग आपसे आई कॉन्टैक्ट करते हुए होते सोते नाक में उंगली करने लग जाएंगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट कोई आदमी हो सकता है। मां आप ही ऑकवर्ड हो रहे हो कि वो नहीं तोड़ रहा है कॉन्टैक्ट, आप इधर तो देख रहे हो कि डेटा क्या है यार, AI इज डेटा ओनली, वो तो डेटा ही, AI तो डेटा ही है ना, वो डेटा नहीं है तो क्या है, मतलब वो सब उसी को डेटा रीडिंग को मशीन लर्निंग बता रहे हैं, है ना। ये लगे हुए अपना भाई, डिग डीप तो करना पड़ता है डेटा में। Thank you.